दोस्तों, आज मैं पूरी और छोले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये पूरी और छोले को मैं बिना प्याज लहसुन की ही बनाई हूँ। ये सिंपल तरीके से बन जाता है। यहाँ पे काबुली चना या छोले को मैं रात भर भिगो के रखी थी। उसके बाद अच्छी तरह से धो के प्रेशर कुकर में मैं स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, तेज़पत्ता, दालचीनी इस तरह मैं दे के पानी मिला के 3 से 4 सीटी दे दूँगी। आप चाहें तो उबालने के वक्त चाय पत्ती ऐड कर सकते हैं डार्क कलर के लिए, पर मैं ऐड नहीं की हूँ। यहाँ पे पूरी के लिए मैं मैदा और गेहूँ का आटा मिला के ही आटा गूंदूंगी। जो डो बनाऊँगी मैं, जैसे पूरी के लिए हम डो बनाते हैं, इस तरह मैं नमक और थोड़ा तेल मिला के मैदा और आटा, आटा मैंने 1 कटोरी ली है, मैदा 1/2 कटोरी, आधा मैदा ली है, उसमें नमक थोड़ा और तेल मिला के इस तरह पूरी के लिए मैं डो बना ली है। ये हर घर में बनता है। इस रेसिपी में आप बिना प्याज लहसुन भी बना सकते हैं। मैं इसलिए आप लोगों के साथ आज शेयर की हूँ। बिना प्याज लहसुन बनाने के लिए मैं टमाटो, अदरक, ये सब मसाला आप लोगों को दिखाया, उसको पेस्ट करके रखी हूँ, और थोड़ा गरम मसाला बाद में ऐड करूँगी। तेल बड़े चम्मच लेकर थोड़ा सा तड़का दे के ये जो मसाला पेस्ट को मैं डाल चुकी हूँ और उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तेल में अच्छी तरह से भून लेने से ये मसाला का स्वाद बहुत अच्छा आता है, और स्वाद अनुसार हम नमक मिलाएंगे मसाला की क्वांटिटी देखकर, क्योंकि हम जब काबुली चना उबाल रहे थे उस वक्त थोड़ा सा नमक और हल्दी भी ऐड किए थे, इसलिए मसाला की क्वांटिटी देखकर यहाँ पे हम नमक हल्दी मिलाए हैं। ये प्याज लहसुन ऐड करके भी बन सकता है, पर हम व्रत के दिनों में ऐसे ही बिना प्याज लहसुन भी बना सकते हैं। मेरे बच्चे डार्क कलर छोले ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उबालने के वक्त मैं चाय पत्ती ऐड नहीं की हूँ। ऐसे ही मैं प्लेन छोले बना रही हूँ। मसाला भूनने के वक्त मैं 1 चम्मच गरम मसाला यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ, और सबको अच्छी तरह से मिला के फिर से 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद मसाला अच्छी तरह से भून के तेल छोड़ दिया है। अच्छी तरह से भून चुका है। मैं जो उबाल की रखी थी काबुली चना प्रेशर कुकर में इसी वक्त ऐड कर दूंगी। ऐसे ही ये छोले बहुत टेस्टी लगता है। बिना प्याज लहसुन तो हम बनाते हैं, पर ऐसे बिना प्याज लहसुन बनाने से हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आप चाहें तो प्याज लहसुन ऐड कर सकते हैं, पर बच्चों को थोड़ा थोड़ा चेंज भी चाहिए, इसलिए भूनने के वक्त हम थोड़ा पानी भी ऐड कर चुके हैं। जो प्रेशर कुकर में उबालने के वक्त दिए थे काबुली चना में, उसको ऐड करके अच्छी तरह से फिर से मैं मसाले के साथ मिला रही हूँ। 1-2 उबाल दे देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला और काबुली चना मिल जाए। इस तरह 1-2 उबाल आने के बाद हरे धनिए के छोटे छोटे टुकड़े करके ऊपर में मैं ऐड कर चुकी हूँ। ऐसे ही इजी ट्रिक से ये छोले बन जाता है, स्वाद में भी अच्छा लगता है। आप ये छोले को व्रत के दिन में भी बना सकते हैं। छोले बन गया, पूरी तल लेंगे। मैं पूरी बना के रख चुकी हूँ। यहाँ पे तेल गरम हो गया है। पूरी तलना तो हर किसी को आता है, इसीलिए मैं पूरी बनाने के वक्त आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, यहाँ पे तल रही हूँ। ये पूरी और छोले की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और नए नए रेसिपी, ब्लॉग्स,
और ब्यूटी टिप्स लेकर आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। यहाँ पे पूरी देखिए किस तरह से बड़े बड़े साइज के मैं बनाई हूँ, फूल रहा है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।